ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਪੈਰਾਗੋਨ ਹੋਟਲ ਸੋਲਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹਿਮਾਚਲ। मादक द्रव्य और माफियाओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। अब यदि कोई भी व्यक्ति बार बार यातायात के नियमों का पालन करेगा तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये जानकारी पुलिस महानिदेशक सीताराम मट्टी ने दी। उपायुक्त कार्यालय सोलन के सम्मेलन कक्ष में किन्नौर, शिमला, सोलन, बद्दी तथा सिरमौर जिला के पुलिस अधिकारियों की त्रैमासिक बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिले के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारियों ने भाग लिया। पत्रकारों से बात करते हुए महानिदेशक सीताराम मल्टी ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल तक 6,208 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जबकि वर्ष 2018 में 6,264 अभियोग पंजीकृत हुए थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने मादक द्रव्य और माफियाओं को नियंत्रण में करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं तथा ऐसे मामलों की सख्त कार्यवाही भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सूचनाओं को 112 नंबर में प्रेषित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इस प्रणाली का शुभारंभ किया है। पुलिस विभाग के प्रोत्साहन के फलस्वरूप प्रदेश में अभी तक 28,656 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिए हैं कि पंचायत स्तर पर नशा निवारण स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाए ताकि ग्राम स्तर पर युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में अवगत करवाया जा सके। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस विभाग ने नशे की रोकथाम के लिए एक ऐप भी लॉन्च की है, जिसमें शिकायतकर्ता की पहचान किसी को भी नहीं हो पाएगी। हमने कई कुछ नया कदम उठाए हैं, जैसे ई चलानिंग हमने शुरू किया है, जिसमें जो मोटर व्हीकल चलान का जो कंप्यूटर डाटाबेस क्रिएट हो जाता है, जो मल्टीपल ऑफेंस के लिए एनहांस्ड पनिशमेंट होगी और लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। हाँ, एक ऐप लॉन्च हमने करने वाले हैं, ऐप तैयार है, जिसमें कोई भी आदमी ड्रग के बारे में सूचना दे सकता है और सूचना देने वाले का नाम पता जो है वो रिवील नहीं होगा और पुलिस को कभी पता नहीं लगेगा, इसलिए निडर होके कोई भी सूचना है उस ऐप के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर ऑफेंस रिपीट होते रहेगा। और इसी तरह हमने कुछ और कदम उठाए हैं, जो पुलिस के वेलफेयर के लिए हमने सेंट्रल पुलिस कैंटीन शुरू किए हैं, इसमें 3.5 करोड़ का सेल हुआ है, 16 कैंटीन बने हैं और अभी हमने 3 कैंटीन और खोलना है। आदर्श हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।